हे लॉगेन्स वेलकम टू लॉगेरी आई होप याइब टू लॉगेरीज यूट्यूब चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन एंड आई होप यूर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम वे देर बाई द नेम एट आई एम लॉगेरी आज हम बात करेंगे कि क्लैट का पैटर्न क्या है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का पैटर्न क्या है और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है एम वो टेल यू की टॉपिक वाइज क्या सिलेबस है हर सब्जेक्ट का नंबर वन नंबर टू हम बात करेंगे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर थ्री हम बात करेंगे आपको ये टॉपिक्स कौन सी बुक्स में से कवर करने चाहिए इधर उधर के टिप्स भी दूंगी मैं बीच बीच में तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा और दूसरा हम बात करेंगे सैम्पल पेपर को देखकर कि कैसे एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप प्रिपेयर किस चीज़ के लिए करो राइट right? तो चलिए वीडियो देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में से आपके ट्वेंटी एट टू थर्टी टू क्वेश्चन आएंगे दैट इज परसेंट ऑफ़ द पेपर करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन क्वेश्चन पेपर लीगल रीजनिंग में से भी आपके थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन क्वेश्चन आएंगे रफली ट्वेंटी पेपर दिफ्टी परसेंट ऑफ द पेपर वुड बी फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में से ट्वेंटी आएंगे दैट इज ट्वेंटी पेपर क्वानिटेटिव टेक्नीस में से थर्टीन टू सेवेंटी क्वेश्चन आएंगे दट इज रफली टेन परसेंट ऑफ द पेपर देखिये जो क्वानिटेटिव टेक्नीस है

फाइव क्वेश्चन uh, उसके बाद दिया फाइव टू सेवन क्वेश्चन तो रीडिंग uh, कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे एग्जाम का जो पैटर्न है वो रीडिंग कॉम्प्रिंशन जैसा ही है कि पैसेज दिया हुआ है उसके बाद आपको एम सी क्यू क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ राइट right? तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रायोरिटी पर रखिए कि पहले आप इनका इनके ऊपर मतलब इन ये सॉल्व कर करके आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए हो राइट वो कैबलरी के ऊपर मैंने एक वीडियो uh, ऑलरेडी करी हुई है प्लीज़ वो देख लीजिएगा कि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ कैसे वो न्यूज़पेपर में से ही कवर करने की कोशिश करिए बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल मेथड है वकीबलरी कवर करने का नहीं तो आप वर्डलिस्ट uh, भी याद कर सकते हैं बट अगर आप करंट अफेयर्स के साथ साथ याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड है राइट ग्रामर देखिए आप कहेंगे कि अगर आप कह रहे हो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ग्रामर कहाँ से आ रहे हैं अगर आप सैम्पल पेपर्स उठा के देखेंगे तो सैम्पल पेपर्स में आप देखेंगे कि ग्राम gram, ग्रामर के बेसिक अब ग्रामर के बेस अब ग्रामर के बेस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसके हिसाब से आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है जैसे टेंसेस आर्टिकल्स प्रपोजिशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मॉडल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब्स नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव एजेक्टिव डिटर्मिनर्स ठीक है स्पॉटिंग ग्रामेटिकल एरर्स इन सेंटेंस पंक्चुएशन फिर उसके बाद लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स फिगर्स ऑफ स्पीच चूज अप्रोप्रिएट वर्ड ये सारी चीज़ें आपने अभी भी करनी है देखिए अब बुक्स का देख लेते हैं नॉर्मली um, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रेनन मार्टिन रिकमेंड करते हैं वो भी एक अच्छी बुक है बट वो थोड़ी डिफिकल्ट है अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है वो बुक तो आपने बेसिकली ग्रामर के कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप एस पी बख्शी के लिए जा सकते हैं जो अरिहंत की बुक है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप किसी और बुक के लिए जा सकते हैं जो इंग्लिश की बुक हो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हो बहुत सारी बुक्स सा आती हैं आप बुक सेलर के पास जाइए देखिए बुक आपको कौन सी अच्छी लग रही है यू कैन बाय दैट जिसमें ट्राई करिए कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दी हूँ नहीं तो आप एस पी बख्शी के लिए जा सकते हैं या फिर रेड एंड मार्टिन के लिए ठीक है ना तो ये आपका इंग्लिश का रहेगा गाइज प्लीज नोट कर लीजिए ये सारे टॉपिक्स सो तो दैट आपको क्लैरिटी रहे देखिए जो लीगल एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है बट फिर भी जो आपके टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहते हैं बट चेंज क्या हो गया देखिए पहले न्यूज़पेपर मतलब आपका करंट अफेयर्स में से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे जो लीगल एप्टीट्यूड में पूछे जाते थे ठीक है ना जजमेंट्स पूछ ली जाती थी कोई कमीशन अपॉइंट हुआ है कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन के कोई हेड है उनके बारे में पूछ लिया जाता था या कोई थोड़ा बहुत बिल और उनके बारे में बट अब जो है ये सारा जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है ठीक है ना जो करंट अफेयर्स के अंदर कोई टॉपिक चल रहा है फॉर एग्जांपल अभी प्रशांत भूषण जी का केस चल रहा था तो कंटेम्प्ट यू नो यू शुड नो अबाउट इट क्योंकि वो न्यूज़ में था इतना ज़्यादा ठीक है उसके बाद पीएम एम केयर्स फंड की जजमेंट आई तो उसके अंदर uh, जो भी यू um, नो you know, बात हुई वो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्या डिसीजन आया क्या था तो हाँ ठीक है करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया है तो न्यूज़पेपर तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट ठीक है ना और इसके बेनिफिट्स मैं बहुत बारी बात कर चुके हैं मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में आपको यह भी बताया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैसे करिए सो so दैट आपको न्यूज़पेपर समझ में आ जाए राइट तो प्लीज डोंट बी अ लेजी बम रीड न्यूज़पेपर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश कवर होता है लीगल एप्टीट्यूड कवर होता है करंट अफेयर्स कवर होते हैं और आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है बेसिकली आपने करंट अफेयर्स के अंदर रीसेंट बिल्स हैं एक्ट्स अमेंडमेंट रीसेंट जजमेंट्स कमिटीज कमीशन एनी अदर लीगल इशू जो है बर्निंग इशूज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए राइट right? तो आप जितने एडिटोरियल्स पढ़ेंगे जितने आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे जैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाए वैसे करेंगे तो लीगल एप्टीट्यूड इज गोइंग टू बी अ केक वॉक बट अब क्या है कि आपने यहाँ यहाँ से तो स्टडी कर लिया ठीक है ना आपको पता चल गया ये तो यहाँ से आपने नॉलेज गेन कर ली ठीक है ना यहाँ से आपने नॉलेज गेन कर ली अब क्या है आपको कॉन्सेप्ट्स भी सीखने हैं मतलब कॉन्सेप्ट मतलब जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हम जैसे लीगल रीजनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप प्रिंसिपल और फैक्ट्स और ये सब कुछ निकालते हो मतलब लॉ निकालते हो बेसिकली पैसेज में से और उसको अप्लाई करते हो जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके ऊपर ठीक है ना तो ये वाली चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं अब ए बी भारद्वाज की वर्क बुक आती है वो आप बाय कर सकते हो उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा नो डाउट अभी पैटर्न चेंज हो गया है बट अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपके जो अब करंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना बट आप अगर बेसिक नॉलेज ले लोगे सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं ना कहीं मुड़क उड़के अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ोगे तो आपका न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ईजी हो जाएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन आते हैं और आपको बेसिक नॉलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प करेगा अब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रट्टा नहीं मारना है अंडरस्टैंड यू फ्रो अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ भी कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपको लॉ पढ़ना आ जाएगा देखिए लॉ की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती है कि आपको समझना है अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे मतलब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ लेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेंगे टॉर्च पढ़ लेंगे थोड़ा सा फैमिली लॉ पढ़ लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा अब इसके अंदर भी आपके अंडरस्टैंड करना है रट्टा नहीं मारना है क्योंकि पहले था कि आपको मग अप आप करना पड़ता था देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ फैमिली लॉ टॉर्ट्स इसके अंदर रट्टा नहीं मारना है याद नहीं करना है आपने कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है ना और लीगल रीजनिंग के ऊपर की लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो करी हुई है प्लीज़ वो जाके चेकआउट कर लेना आपके लिए ले और भी इजी हो जाएगा लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है ना अब जो लीगल मैग्जिम्स और लीगल टर्म्स हैं मतलब जो वर्ड्स हैं लॉ के उनके बारे उन related questions they जो आपके ये वाले चीज़ें हैं लीगल मैक्सिम और लीगल टर्म्स अगर आपके पैसेज में कोई एक लीगल टर्म है ठीक है ना चाहे उसका मीनिंग नहीं पूछा हो बट मे बी उसके अराउंड सारा पैसेज हो ठीक है ना अगर आपको वो लीगल मैक्सिम या लीगल टर्म का मीनिंग पता है तो आपको वो पैसेज सॉल्व करना ईजी हो जाएगा ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या होता है न्यूज़पेपर में आप देखेंगे बहुत सारी लीगल टर्म्स यूज़ करी गई होती हैं तो उनका मीनिंग तो आपको हंड्रेड वन परसेंट पता होना चाहिए अच्छे से पता होना चाहिए राइट और वैसे भी आप लीगल मैगजीन एंड लीगल टर्म्स अच्छे से कहीं से भी कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी बुक्स हर बुक के अंदर लीगल के के हर बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगा नहीं तो मैंने भी दो वीडियोस की हुई हैं आप वो चेकआउट कर सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स अब कुछ पिछली लैंडमार्क जजमेंट्स है करंट लैंडमार्क जजमेंट्स में होगी कुछ मतलब पहले बहुत पुरानी है वो इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा इसका भी रिसोर्स बहुत इजीली मिल जाएगा लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने भी एक वीडियो करी हुई है आप वो चेक कर सकते हैं राइट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशन जो पहले इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और कमीशन बैठे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बैठे हैं ठीक है क्रिमिनल लॉ इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए बैठे हैं तो इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं वो करंट और एक और बात बताऊं आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन आप बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे अगर आप न्यूज पेपर पढ़ोगे क्योंकि न्यूज पेपर के अंदर एडिटोरियल्स में इतनी बार कमिटीज के बारे में बोला जाता है ना तो कहीं ना कहीं आपको ये याद हो जाती है नहीं तो मैंने एक वीडियो भी करी हुई है कमिटीज एंड कमीशन पे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं नहीं तो जो आपकी लीगल एप्टीट्यूड की बुक है आप उसमें से कवर कर सकते हैं राइट right? अब बारी आती है बुक्स की देखिए मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है न्यूज़पेपर तो आप मिस कर ही नहीं रहे हो आप पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ना कोई बहाना नहीं चलेगा कि डी बहुत डिफिकल्ट है तो इसके लिए नंबर वन इज़ न्यूज़पेपर ठीक है उसकी आप वीडियो जरूर देखोगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा न्यूज़पेपर प्लस आपने ए पी भारद्वाज की बुक यूज़ कर लेनी है मैं आप लिंक आपको नीचे दे दूँगी या तो ए पी भारद्वाज की बुक या फिर अगर आपके पास कोई और मटेरियल है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या कुछ भी तो अब वो देखिए दोनों में से एक यूज़ करोगे ये नहीं कि ए पी भारद्वाज और यहाँ पे मैं और लिख रही हूँ देखिए और या फिर या तो ए पी भारद्वाज की बुक या आ, या फिर कोई और मटीरियल ठीक है और कोई बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी बुक्स आ गई हैं मार्केट के अंदर ठीक है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने और उसमें से आपने लीगल एप्टीट्यूड uh, का सेक्शन निकाल के सॉल्व करना ही करना है सो so दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए राइट right, तो ये सब कुछ आपने करना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है और प्लस हाँ जो बहुत जरूरी है वो है मैगजीन आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन कोई भी जैसे न्यूज एंड इवेंट प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मटेरियल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मंथली है वो आपने जरूर पढ़ना है और उसमें से निकाल के आपने एक जगह नोट्स बनाने हैं ताकि जब आपका एग्जाम हो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके तो ये आपका रहेगा लीगल एप्टीट्यूड के लॉजिकल रीजनिंग देखिए सीरीज कंप्लीस नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज, एनोलॉजी ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बोल्ड और यू नो अंडरलाइन है वो वाले टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है ये वाले टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं मतलब आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में और इसकी बुक सबको ही पता है वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल वर्बल रीजनिंग की बुक आती है आर एस अग्रवाल की बहुत अच्छे से आ, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आपको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि एक बुक है एम के पांडे ये जो एम के पांडे है जो तो पांडे जी की बुक है वो आप ख़रीदेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे अब जो ये आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की बुक है ना इसमें अगर आप ये वाले टॉपिक्स उठाओगे कौन से वाले टॉपिक्स यही वाले सीरीज़ और एनालॉजी ठीक है इन सब की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया हुआ है और इसमें टिप्स भी ट्रिक्स दिए हुए हैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए ब्लड रिलेशन को लेके और सब कुछ तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें इसकी जो एक्सप्लेशन uh, uh, है वो एम के पांडे में से भी पढ़ लें ठीक है ना तो ये बहुत ज़रूरी है और आपको मज़ा भी आएगा आपको समझ में आ गया तो आपको और स्पेशली अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हो आप कोचिंग नहीं दे रहे हो तो एम के पांडे में से आप टिप्स उठा सकते हो एंड अगेन क्या करना है यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ आपने लिस्ट बनानी है किस चीज़ की? जो ट्रिक्स आपको पता चले आप सॉल्व कर रहे हो आपको पता चला कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा तो वो आपने लिस्ट बना लेने कहाँ पे बुक के पीछे बना लीजिए या कहीं पे भी नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश नहीं करनी है बस फटाफट लिख लेना है ताकि आप बार बार उसको जब भी इधर मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करें तो आप वो ट्रिक्स पढ़ लें सो uh, दैट so वो आपकी ही अपनी एक छोटी सी गाइड बन जाए और एक जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं या जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो आपने मार्क करने हैं ताकि जब रिविजन का टाइम आए तो आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका जो चैप्टर है जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए क्रिटिकल रीजनिंग देखिए क्रिटिकल रीजनिंग जो है उसके अंदर अजम्पन फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन्फ्लेंसिस कोर्सेज ऑफ एक्शन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट कॉज एंड इफेक्ट सोलॉजिम फ्रमाइसिज एंड कंक्लूजन ये सारे आपके टॉपिक्स हैं ठीक है ठेके? और इससे डरना नहीं है बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी जो मेन बुक है वो है एम के पांडे ठीक है इवन अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के तब भी आप ये बुक तो बाय करेंगे ही करेंगे ठीक है ना क्योंकि इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो एम के पांडे बाय करेंगे अब अगर आपको एम के पांडे में से समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है नहीं तो मैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको मैंशन कर दूँगी ठीक है ना सबसे पहले क्या करना है एम के पांडे स्टडी करनी है अगर आपको एम के पांडे पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं आंसर नहीं सही आ रहा है तो विलीज़ की एक बुक आती है आप वो भी बाय कर सकते हैं बट अगर आपको बुक चाहिए आपने क्या करना है अगर आप कोई भी बुक या तो कैट की लेते हैं या फिर जी मैट की लेते हैं या जी आर ई की लेते हैं तो आपने क्या करना है उसमें से सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो वाला पार्ट पढ़ना है समझने की कोशिश करनी है बस और कुछ नहीं और एक और बात जो आपने वर्बल अगर आप आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग लेते हो कई बार सिर्फ वर्बल रीजनिंग नहीं अवेलेबल होती तो आपको ये दोनों लेनी पड़ती हैं एक साथ तो यहाँ से आर एस अगरवाल की जो नॉन वर्बल रीजनिंग है जो कि क्रिटिकल रीजनिंग है वो आपने आर एस अगरवाल में से नहीं पढ़नी है क्योंकि कई बहुत जगह आपको थोड़ा सा लगेगा कि आंसर्स इधर उधर हैं तो आप समझ ही गए होंगे तो आर एस अग्रवाल में से क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करना है सिर्फ जो पज़ल्स वाला पार्ट है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया वो करना है तो ये मैं दोबारा बोल रही हूँ गाइस अब हमेशा याद रखिए कि आपने बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है रिसोर्सेज हैं तो आपको बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है ठीक है पहले वो वाले मटीरियल को कवर करिए और फिर बुक बाय करिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बुक्स होंगी तो आपको फ़ायदा होगा नहीं आपका नुकसान होगा यू वुड गेट कन्फ्यूज आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पढ़ूँ कहाँ से नहीं मैथ्स देखिए मैथ्स को ये इतने सारे टॉपिक्स देखकर डरना नहीं है इसकी बेस्ट बुक एक ही है जो है एटीन डेज वंडर बाय एस चंद ठीक है ना एटीन डेज वंडर बाय एस चंद की आपने बुक लेनी है और उसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने वहीं से पिक करें हैं उसी बुक में से पिक करें ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं जो बोल्ड में मैंने बोल्ड किए हुए हैं वो इम्पॉटेंट ये सारे टॉपिक्स अगर आप एक अच्छे से कवर कर लोगे उस बुक में से बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत आ, सारे क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं तो अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं वो वाले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं तो आप बड़े अच्छे से आप एग्जाम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे इवन अगर आप वीक हो मैथ्स में तो ये बुक अच्छी है अगर आप नहीं वीक हो आपका बहुत बढ़िया मैथ्स आता है तब भी आप फटाफट से सॉल्व uh, कर सकते हो right? राइट तो मैथ्स के अंदर नंबर्स एच सी एफ एंड एल सी एम ये सारे टाइप के एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक अलजैब्रा स्टैटिस्टिक्स गाइज और स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप अपनी टेंथ स्टैंडर्ड की बुक में से सॉल्व कर सकते हैं एनसीआर में से कर सकते हैं या आर uh, डी गाइस मैं मैथ्स के बारे में एक चीज आपको बताना मैथ्स की की भी जो लिस्ट है वो क्रिएट कर लीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा जब भी आपने मैथ्स रिवाइज करना है तो आप वो फॉर्मूला की लिस्ट उठाकर रिवाइज कर सकते हैं हर रोज के बेसिस पे ताकि आप फॉर्मूलाज ना भूलें नंबर वन नंबर टू और जो हम लॉजिकल रीजनिंग में बात कर रहे थे कि अगर कोई रॉन्ग आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको मार्क कर लीजिए और प्लस जो डिफिकल्ट आपको लगता है वो भी मार्क कर लीजिए ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो आप ये सब कुछ उठाकर रिवाइज कर, कर लें और आपका टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए राइट डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट बार डायग्राम बायोग्राफ टेबलो डायग्राम लाइन ग्राफ रडार ग्राफ ठीक है ना ये वाले आ, टाइप के जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो आते हैं जनरल नॉलेज देखिए बहुत लोग करंट अफेयर से डरते हैं उनको न्यूज़पेपर का फ़ोबिया है एक फियर है न्यूज़पेपर को देखकर बट ऐसा नहीं है मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ मैंने जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से रिले रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई सबसे पहले तो मैंने बताया आपको कि प्रीवियस मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने कैसे कवर करने हैं वो वीडियो आप देख लीजिएगा आपको हेल्पफुल लगेगी नंबर वन नंबर टू मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए और आपको नंबर थ्री मैंने बताया कि आपको एनालाइज़ कैसे करना है कि आपको ये कैसे पता चले कि ये जो इतना बड़ा न्यूज़पेपर है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है बिकॉज़ अगर आपको ये पता चल गया तो न्यूज़पेपर जो आपको लगता है कि कम से कम आपको टू से थ्री आवर्स चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक्चुअल में आप न्यूज़पेपर फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स में पढ़ सकते हैं राइट right, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अभी मैंने सिर्फ आपको यू नो you know, बताना है कि कौन सी कैसी न्यूज़ होती है जो इंपॉर्टेंट है देखिए इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ जैसे पॉलिटिक्स बुक्स अवार्ड्स पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज़ स्टेट से कोई रिलेटेड न्यूज़ है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकती है बिजनेस रिलेटेड हो सकती है कोई कंट्री स्पेसिफिक न्यूज़ हो सकती है राइट हेड एंड लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री जैसे चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशनर कौन है फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन के स्पेस और साइंटिफिक डेवलपमेंट सैटेलाइट साथ, लॉन्च हुआ है कोई नेम ऑफ मिशन और मिसाइल्स का नाम क्या है स्पेसिफिकेशनस क्या है उनकी ठीक है मिलिट्री एक्टिविटी हुई है कोई नया इक्विपमेंट लिया है हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बाई इंडियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लीनेस्ट सिटी हैप्पीस्ट कंट्री ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ठीक है लीगल इशूज़ हैं कोई टैक्स लॉ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है कोई कमिटी अपॉइंट हुई है और यहाँ पे इंटरनेशनल में कंट्री रिलेटेड न्यूज़ जैसे कोई uh, कहीं uh, किसी कंट्री में अभी इमरजेंसी लगी है रिसेंटली श्रीलंका में अमेंडमेंट uh, हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे इवन अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको मटेरियल मिल रहा है या फिर आप वो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं मैंने वीडियो करी है कि मंथली मैगजीन के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है बिकॉज आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा जब आप हर हर एक चीज दो तीन चार बार पढ़ लेंगे तो जब आप वो मैगजीन में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा आपको बैकग्राउंड भी पता होगा तो न्यूज़पेपर पढ़ना कोई डिफिकल्ट नहीं है आपने अपने मन में बिठाया हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़ना डिफ़िकल्ट है इसलिए जब आप उठाते हो आपको डिफिकल्ट लगता है अगर जो मैंने तरीके बताए हैं आप वो अप्लाई करोगे न्यूज़पेपर पढ़ना कोई डिफिकल्ट नहीं है ओके स्टैटिक जी के देखिये अगर आप क्लैट का सिलेबस उठा के देखेंगे स्टैटिक जी के बिल्कुल रिमूव कर दी गई है वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो भी करंट अफेयर्स है उनके बेसिस पे स्टैटिक जी के पूछी जाएगी मतलब जैसे करंट अफेयर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल एक उन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है अमेज़न फायर्स की बात करी हमें पता है कि अमेज़ॉन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फायर लगी थी ठीक है ना तो उसके बारे में उन्होंने बात करी तो उन्होंने क्लाइमेट uh, चेंज के बारे में uh, जो रिपोर्ट थी या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आए नंबर वन नंबर टू फिर uh, क्योंकि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो ब्राज़ील में है तो उस कंट्री स्पेसिफिक रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो और uh, और भी अगर आप सैम्पल पेपर्स में देखेंगे तो उन्होंने uh, पूछा हुआ है कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बट वो करंट मतलब करंट अफेयर्स में उन्होंने पूछा है कि करंट अफेयर्स अगर कोई चीज़ करंट अफेयर के अंदर आ गई है तो अगर उससे बैकग्राउंड में जाके हम कुछ पूछ सकते हैं मतलब उस उस टॉपिक से रिलेटेड हम स्टैटिक जी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आई होप आपको समझ में आ गया कि करंट अफेयर्स के अंदर कोई टॉपिक आया ठीक है ना उसके रिलेटेड जो स्टैटिक जी है वो आपको कवर करनी है तो जो पहले वाला होता था कि आप ल्यूसेंट्स की या पियर्सेंस की बुक उठाओगे और पूरा रट्टा मार दोगे से लास्ट पेज तक वो अब आपको नहीं करना है बट फिर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया और इकोनॉमिक्स में से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा एक तो पैसेज पढ़ने में और दूसरा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब भी आपको ईजी रहेगा और इंपॉर्टेंट फोर्स ये लोग पूछ रहे हैं सैंपल पेपर्स में इन्होंने पूछे है हुए हैं तो अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए अगेन ईजी रहेगा राइट तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ जो आपको ज़्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं एट आई एम लॉगरी के नाम से हूँ वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉग के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ तो प्लीज़ अपनी ई मेल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्द बाय